आप लोग भी देखो प्रैक्टिकल है, जब तक मकान नहीं बनवाया तब तक लगता मकान बन जाएगा बस फिर बहुत अच्छा रहेगा, बहू नहीं आई बेटे की शादी नहीं हुई तब तक लगता बस एक निश्चिंत हो जाएंगे, बेटी की शादी नहीं हुई तब तक लगता है बेटी की शादी हो जाए फिर कोई काम नहीं है। लेकिन जैसी शादियां होती हैं और चिंताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि संसार यदि निश्चिंतता का नाम होता जो संसार विशेष सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे और काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। एक बच्चे ने प्रवचन सुना और उसे प्रवचन का मैंने सच पूछो सत्य उसके जीवन में आ गया और उसने कहा मैं तपस्या लूंगा, घर में जाकर बोला माँ मैं तो संयम लूंगा। माँ बोली पागल है अभी बच्चा है अभी क्या देखा तूने, ध्यान रखना हम देखने के नाम पर क्या कहते हैं संसार ही देखो, ये नहीं कहते संयम देखो। लोग कहते अभी तुमने देखा ही क्या है, सोचो कभी कोई जवानी में मर जाता है तो लौकिक दृष्टि से तो बुरा है, लेकिन हम क्या कहते हैं अरे कुछ नहीं देख गए, अरे क्या कर गए, कोई कुछ कर ही नहीं पाए। ये सोचो वो उतने दिन में भी बिना लड़ाई के मर गया, बिना कलेश के मर गया, बिना बीमारी के मर गया, क्या देखना था संसार में। यदि वो उतने दिन भी बहुत आनंद से भक्ति संयम के द्वारा मर गया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम संसार की सार्थकता मानते हैं, मंदिर में आके गीत गाते हैं कि संसार में सुख नहीं है और संसारिक सुख को ही आप सुख मानते हैं, क्योंकि बहुत पैसा कमा लो, बहुत धन कमा लो, बहुत फैक्ट्रियां बना लो, वो नाती पड़पोते देख जाओ तो लोग कहते हैं बहुत कुछ देख गए। तो उसी प्रकार से उसकी माने का भी तू बच्चा है तूने देखा ही क्या है, कम से कम थोड़ा बड़ा हो जा पढ़ लिख जा उसके बाद चला जाना। फिर बच्चे के मन में तो वैराग्य था, बच्चे अब उसकी पढ़ाई पूरी हुई फिर बच्चे ने कहा कि माँ मुझे जाना है, तो माँ बोली जब इतनी पढ़ाई की है तो कम से कम कुछ उपयोग तो कर, शादी कर ले उसके बाद चले जाना तो मुझे बहू का सहारा हो जाएगा, तू संयम में ले जाना। अब शादी हो गई फिर पत्नी ने कहा, पत्नी से उसने कहा कि देखो माँ कह रही थी मुझे जाना है, तो बोली पागल हो शादी क्यों कराई थी, यदि जाना था तो पहले ही चले जाते, कम से कम एक बच्चा हो जाए फिर आप चले जाना, तो मैं बच्चे के सहारे रह लूँगी। अब जब बच्चा हो गया तो कहने लगी इसके लिए तो दुनिया तरसती है, आप बच्चे को थोड़ा बड़ा कर जाओ शादी कर जाओ फिर चले जाना। अब उसका भी मोह धीरे धीरे बढ़ गया, सही वैराग्य उसका घट गया, संयम की भावना शिथिल हो गई, क्योंकि ज़्यादा रागियों के बीच में रहोगे तो यही होगा। और कहते हैं कि बाद में फिर पत्नी से बोला अब चला जाता हूँ, उसने कहा अरे अब तो बेटा हुआ है छोटा है इसको पढ़ा लिखा लो फिर चले जाना। पढ़ लिख लिया तो बोले फिर शादी हो जाने तो फिर चले जाना बेटे की। फिर बोली अरे इस दिन के लिए तो दुनिया तरसती है, अब इतने दिन रहे हो तो कम से कम पोता देख जाओ, और पोता देख लिया फिर बोली इसकी शादी और कर जाओ, क्या 15-20 साल में शादी हो जाएगी। और कहते हैं 15-20 साल बाद शरीर शिथिल हो गया, खुद निकलने लायक नहीं रहा, उसके बाद पोता की शादी भी हो गई, पड़पोता भी हो गया, अब तो लोग बोलते भी नहीं, लेकिन वो मर के कुत्ता हो गया। फिर कहते हैं फिर संत आए बोले अब उस जन्म में नहीं सुधरा, अब तो सुधर जा अब तू चल, बोले अब तो इतना बच्चों से मोह हो गया अब तो जाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि कुत्ता सुबह सुबह पोता मुझे घुमाने ले जाता है, समझ गए। आजकल बाप दादों को ले जाएं या नहीं ले जाएं कुत्तों को जरूर ले जाते हैं। उनने कहा पोता घुमाने ले जाता उसको कैसे छोड़ा जाए, वो रोएगा दुखी होएगा। और कहते हैं कुत्ता मरा बिल्ली हो गया, बोले तो बोले बिल्ली के अब तो चल, बोले नहीं बच्चों का जो जूठा दूध होता है उसी को पी लेती हूँ अच्छा लगता है अब नहीं जा सकती हूँ। कहते हैं फिर चूहा हो गया, उनने कहा अब तो चल, बोले नहीं उसके कपड़े उपड़े कतर के खा लेता हूँ अच्छा लगता है। उसके बाद वो सेठ जी कहाँ गए वो व्यक्ति उसे पता नहीं चला। इसी प्रकार से समय रहते हुए चेत जाओ, हम लोग हमेशा सोचते हैं अभी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कोई बात नहीं आप परिवार में रहें जहाँ रह रहे हो वहीं रहो, लेकिन कम से कम थोड़ा सा ये ख्याल भी आ जाए आपको, दुश्मन दुश्मन दिखने लगे तो आपको नजरिया बदल जाता है। हमारे आचार्य ने यही कहा है कि भगवान आपसे राग क्यों आता है, क्योंकि हम भोगों की तपन से तप गए,
हमने संसार में खूब घूम घूम कर देख लिया है, हर पर्याय के वस्त्र बदल कर देखे हैं, हर लोगों से संबंध बना कर देखे हैं, हर संबंध वियोग में परिवर्तित हो जाता है, हर राग द्वेष में बदल जाता है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, राग होगा वहाँ द्वेष होगा ही होगा। लोग कहते हैं हमें तो सबसे प्रेम है, ध्यान रखना आप पड़ोसी से कहते हो बेटा से बढ़ के है, लेकिन कोई उसे पैसे की जरूरत पड़े तो बेटे को 1,00,000 भी दे दोगे, पड़ोसी को 10 रुपया देते भी लगेगा यार कौन देगा। तो हम कहते जरूर है परमात्मा से कि भगवान मेरा तो आपसे ही प्रेम है, मैं तो आपको ही चाहता हूँ, थक गया हूँ, बहुत दुखी हो गया हूँ, अब संसार में और नहीं घूमा जाता है। क्या कहे, संसार घोर नवा, संसार एक वन है जिसका और छोर नहीं है, लेकिन हम तो उस वन में ऐसे बैठे हैं जिस प्रकार से कि कोई जंगल में बैठा हुआ बीच में जानवर बैठा हो और आग लगी हो तो देख रहा है वो जल गया वो जल गया वो जल गया, लेकिन ये नहीं सोचता जब बीच में मैं बैठा हूँ तो आग की लपटें वहाँ से मेरे तक भी आ जाएंगी। हमने शमशान घाट के भी अच्छे अच्छे नाम रख दिए, मोक्ष मोक्ष घाट और क्या पता स्वर्ग स्वर्ग घाट, अच्छी अच्छी चीज़ें रख देते हैं उसका नाम, शिव धाम, एक जगह तो लिखा था शिव धाम, हमने कहा यहीं से नरक जाएगा तू क्यों, और एक जगह बड़ी अच्छी बात देखी मैंने राजस्थान में, एक जगह उनने इतनी अच्छी जगह बना रखी है जहाँ पर जैनियों नहीं, निवाई के पास उनने अपना बगीचा सा है उसे बहुत बढ़िया डेवलप कर रखा, और बोले हम अपनी दाह संस्कार तो शमशान में करते हैं लेकिन सबकी अस्थियाँ यहाँ रख देते हैं। मैंने कहा क्यों रख देते हो, बोले सब आपस में बातचीत करते रहेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी व्यवस्था की, वाकई में बहुत ग्रीनरी कर रखी उनने, तो कहने लगे सब आपस में बातचीत करेंगे। हमने कहा अरे बातचीत करेंगे कि बोलने की शक्ति ही नहीं मिलेगी, जो यहाँ शक्ति मिली है वो शक्ति नहीं मिलेगी वहाँ, क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ हम तेरहवीं तीसरा बनाते हैं, यहाँ हम स्वर्गवास के कार्ड बांटते हैं, यहाँ आप देख भी नहीं पाते हो कि मरा या नहीं मरा, वहाँ बेचारा नरक में जाकर तड़फने लगता है, अंतर मुहूर्त में नरक में उत्पत्ति हो जाती है, और कैसे नरकों में, यहाँ एयर कंडीशन में रहो वहाँ कोई कंडीशन ठीक नहीं रहेगी, वहाँ पर कैसी कंडीशन रहेगी आपको पता है, नरकों में कितनी तीव्र गर्मी और सर्दी है, आप रहो सुविधाओं में रहो लेकिन भोगा शक्ति नहीं रहे, आप भोगो आसक्ति हो लेकिन बिल्ली की तरह नहीं हो हिरण की तरह हो, हिरण आहट पात ही छोड़ देता है, कम से कम हम परमात्मा की आराधना उपासना के नाम पर तो जितना टाइम निकाल सकें, क्यों 58 घड़ी घर की और 2 घड़ी हर की, कहा है वास्तव में हम परमात्मा के नाम पर घंटे 2 घंटे अपना टाइम निकाले, किसी से कहो, लोग कहते हैं मैं मरने की फुर्सत नहीं मिलती है, हमने की चिंता मत करना, यहाँ मरने की फुर्सत नहीं मिलती है, अगले जन्म में मरने के अलावा कुछ करने की फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि एक की सांस में 8-10 बार जन्म मरो भरो दुखे भार, हमने निगूत पर्याय में कैसी कैसी पर्यायों को पाया है आपको पता, एक श्वास में 18 बार जन्म किया है और मरण किया है, हमारा अधिकांश समय वहीं गुजरा है, जिस प्रकार से बच्चा कहीं घूमाए शाम को उसकी माँ की गोद चाहिए पड़ती है, इसी प्रकार से हमने 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय पाई है, और यदि अपना उत्थान नहीं किया तो कहाँ जाना है, निगोद ही स्थान